हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रति आप सभी का वेलकम करती हूं। और आज मैं बनाने वाली हूं प्रोटीन पाउडर जो कि वेट लॉस वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वेट लॉस प्रोटीन पाउडर की रेसिपी। और ये मैंने यहां पर फ्लैक्सीड अलसी के बीज लिए हैं, ये 2 चम्मच हैं। और ये बहुत ही और यहां पर चिया सीड लिया है मैंने, चिया सीड भी 2 से 3 चम्मच लिया है। और अगर आपके पास ये नहीं है, ना डालना चाहें, स्किप कर सकते हैं। अखरोट है ये 1 कटोरी है। और काजू है, काजू हमें बादाम से आधे लेने हैं, जितना हम बादाम लेंगे उसके आधे काजू लेंगे। पिस्ता लिया है। और ये सभी चीज़ें हमें वेट लॉस में हेल्प करेंगी। मखाने हैं और तरबूज के बीज हैं, तो इनको पहले हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बादाम रोस्ट कर रहे हैं, और इसमें कुछ डालना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे इनको। बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, सिर्फ इतना हल्की सी इनकी नमी निकल जाए। देखिए इस तरीके से, और अब इन्हें हटा देंगे। देखिए प्लेट में पलट लिए मैंने ये, और ऐसे ही हम एक एक करके ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। मखाने ले लिए हैं मैंने, अगर आप यहाँ पर मूंगफली भी ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ी मूंगफली भी ले सकते हैं, वो उसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। क्योंकि हम यहाँ पर वेट लॉस प्रोटीन पाउडर बना रहे हैं, तो इसीलिए मैंने मखाने लिए हैं। इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है, और अब हम इन्हें भी हटा लेंगे। और अब हम पैन में काजू डालेंगे, और इसी समय अखरोट भी डाल लेंगे, और पिस्ता जो हमने लिए थे उनको भी, इन तीनों चीज़ों को एक साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लगभग आधा मिनट हमें बस ड्राई रोस्ट करना है, इतना कि इनकी नमी निकल जाए। इस तरीके से चलाते हुए, और ये प्रोटीन पाउडर आपके वेट लॉस करने में बहुत ही हेल्प करेगा। जब तक मैं यहाँ पर ये सभी चीज़ें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, तब तक आप जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, और देखिए कैसे ये प्रोटीन पाउडर तैयार किया है मैंने। और अब यहाँ पर देखिए तरबूज के बीज जो मैंने लिए थे उनको भी इसी में डाल दे रही हूँ मैं। और बस 2 से 3 सेकंड के लिए इनको भी रोस्ट करना है। और क्योंकि ये सीड चटकने लगते हैं, तो उससे पहले ही हमें इन्हें रोक देना है। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इनको भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने रोस्ट कर ली हैं। चिया सीड हमको रोस्ट नहीं करने हैं, और ना ही फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड मेरे पास ऑलरेडी रोस्ट थे, अगर आपके पास रोस्ट नहीं है तो आप कर लीजिए। और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और इनको बिल्कुल ठंडा होने देंगे, क्योंकि गर्म में हमें इन्हें पीसना नहीं है। और अगर हमने इन्हें थोड़े से भी गर्म में पीसा तो इनमें ऑयल निकलेगा। ये देखिए ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम जार में, मिक्सी जार में इनको डाल लेंगे। अगर आप छोटे मिक्सी जार में पीस रहे हैं
तो दो बार में पीस लीजिए। मैं यहाँ एक ही बार में इनको डाल दे रही हूँ। और पीसते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हम रोक रोक कर पीसेंगे, पॉज करके, ताकि ये गर्म ना होने पाए। अगर ये गर्म होगा तो ये खट्टा होने लगेगा, पाउडर शेप में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हम इसी तरीके से पीसना है। तो देखिए आप खोल के देखते हैं कि हमारा प्रोटीन पाउडर किस तरीके से तैयार हुआ है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम इसे छान लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सीड यूज़ किए थे तो उसमें छिलके होंगे, और जब हम इन्हें दूध के साथ मिक्स करेंगे तो वो हमारे मुंह में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए हम छान लेंगे। ये देखिए, ये हमारा प्रोटीन पाउडर, होममेड प्रोटीन पाउडर बनकर रेडी है। और यहाँ पर मैंने एक ग्लास में दूध ले लिया है जो कि तेज़ गर्म है, और इसी में हम इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो प्रोटीन पाउडर डाल के बॉयल भी कर सकते हैं, और अगर शुगर लेना पसंद करते हैं तो आप इस समय शुगर भी ऐड कर सकते हैं बॉयल करते समय। मैंने यहाँ बिना शुगर के प्रोटीन पाउडर यूज़ किया है, और डायबिटीज़ में भी आप इसे ले सकते हैं। तो अब हम इसे एक कांच के साफ और सूखे जार पे पलट लेंगे, और ध्यान रखिएगा जार में नमी ना होने पाए बिल्कुल भी। ये देखिए, हमारा होममेड प्रोटीन पाउडर बनकर रेडी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।